कोरोना वायरस के चलते पूरे हमारे देश के लोगों को लॉकडाउन रहना पड़ रहा है, उसमें भी मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, वो भी लॉकडाउन वो बहुत दिन से रह रहे हैं, इसलिए उनका मन भी भारी हो गया होगा। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा कामयाबी का हम लोग गाना गुनगुना लेते हैं ताकि सर थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो वीडियो देखने में आपको मज़ा आएगा और पूरा माइंड में आटेगा, माइंड में सेट करेगा और ज़िंदगी भर के लिए वो रह जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा गाना शुरू करते हैं। होंगे कामयाब एक दिन पूरा है विश्वास होंगे कामयाब। लाख छुपाए छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोई भी बीमारी हो या कोई भी रहस्य हो, आप किसी से नाराज हैं, खुश हैं, सारा आपके चेहरे पर फोकस हो सकता है। मरीज किस कंडीशन में है, मरीज की स्थिति क्या है, मरीज किस कंडीशन में है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किस स्टेज में इसकी बीमारी है, उसका जो राज है आप चेहरे से आप पकड़ सकते हैं। इसलिए कोई भी मरीज आए तो उसके चेहरे को एक बार बहुत बढ़िया से आपको देखनी चाहिए। सर्वप्रथम पहले उसके आँखों की रोशनी की जांच करनी चाहिए कि इसका आँख का जो पुतली है कैसा है, आँख में किसी तरह का पीलापन तो नहीं है, आँख में किसी तरह की शाइनिंग की तो कमी नहीं है। अगर आँख में शाइनिंग नहीं है, उसका वो जो पुतली है सभी साफ साफ अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी अवश्य ही है। चेहरे का फीकापन, जीभ का फीकापन और चेहरे का रेडनेस, यदि चेहरा ये मुरझाया हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, गिरा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया का प्रकोप हुआ है। रोगी मन गिराए हुए है, उत्साह नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर में कहीं ना कहीं वायरस है। कोई बोलता है तो आप नाक से बोलता है तो समझिए कि इसका थोड़ा थोड़ा कोल्ड का असर अवश्य ही है। आप थर्मामीटर भी लगाएंगे, यदि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। एक लड़का बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन फिर भी कह रहा था कि थोड़ा बहुत हम बीमार लग रहे हैं, हमने थर्मामीटर लगाया उसमें 102 डिग्री उसको बुखार बता रहा था और शायद अप्रैल मई का ही बात होगी। तो हमने कहा कि आपको बहुत बड़ा कोई संक्रमण है, कोई ना कोई आप में डिजीज है। वो बोला कि नहीं नहीं, वैसे ही हमको कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर, हमको कि ठीक है दवा ले लीजिए और ज़रूरत पड़ेगा तो खा लीजिएगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो नहीं खाइएगा। तो हमने उस समय में उनको नक्श भूमिका हमने दवा दे दिया, हमने बोल दिया कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर है अंदर में, कभी ना कभी प्रकट अवश्य होगा। तो हमने नक्श भूमिका दवा दिया वहाँ पर और उनका 4 बजे सुबह में जाकर, दिन में हमारे 2 बजे दिखाए थे, 4 बजे छोटी माता पूरे शरीर में प्रकट हो गई। तो उस समय उन्होंने दवा रखा था और वो बहुत अच्छा काम किया, बेलाडोनी में रखे थे, बहुत अच्छा काम किया। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी रोगी का चेहरा भली भांति अवश्य देखिए, डरा हुआ भयभीत चेहरा अवश्य आपको मालूम करनी चाहिए। हमारे एक
हुआ थी और अचानक आ गई, बाबू हम बचेंगे नहीं, अब हम नहीं बचेंगे, बस हमको अब मर जाना है। हमें थोड़ा सा पूछताछ हमने की वहाँ पर, कितने दिनों में मर जाइएगा, डेट बताइए, कुछ आइडिया है, 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना। तो हमारे फुआ बोली कि 1 माह में हम बिल्कुल मर जाएंगे, 1 महीना 1 दिन नहीं लगेगा। और जो उनके चेहरे का भाव था, यानी फियर ऑफ डेथ बहुत सारे बीमारी में है, फियर ऑफ डेथ मैंने मृत्यु का भय, आप एको नाइट में भी देख सकते हैं और आर्सेनिक एल्बम में देख सकते हैं। एको नाइट में ये बीमारी जो होता है भय ताज़ा होता है और आर्सेनिक एल्बम में पुराना होता है। एको नाइट का मरीज थोड़ा सा हेल्दी बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है, और आर्सेनिक एल्बम का मरीज पतला दुबला होता है, खाना पीना बहुत कम खाता है, और एको नाइट का मरीज खाना पीना अच्छा करता है। हमने उनको बेचैनी के आधार पर हमने देखा कि वो मृत्यु की बात कर रही हैं। हमने आर्सेनिक एल्बम उनको क्यू 5 बूंद दिन में 3 बार खाने के लिए दिया और वो 10-15 दिन दवा खाई और बिल्कुल आज ठीक हैं। आज उनको 10 साल से ज़्यादा हो गया, आज वो नहीं डेथ की हैं, नहीं मरी हुई हैं। कोरोना वायरस का अभी तक इलाज नहीं निकला हुआ है, तो ये लॉकडाउन हुआ है सही है, इसे बचा जा सकता है, लेकिन इतना कर लेने से हम समझते हैं कि ये इतना उपाय करना वायरस के लिए, संक्रमण के लिए पर्याप्त इतना नहीं है। भले हम लोग बचाव करने का तरीका अपना रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे देश में 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हर जगह पर तैनात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आप ध्यान रखा जा सके और सेंटर आपको जो भी है साफ सफाई, जो भी है मास्क पहनिए, जो भी करना है करिए, लेकिन इसके साथ भी इसमें जिन रोगियों को कोई भी हो, अगर ये तो चला हुआ है, आप गलत नहीं समझे, अफवाह में नहीं आए, सिम्टम पर हमेशा ध्यान रखें। किसी को छींक आ जा रहा है, किसी का आँख खुजली करने लगा, थोड़ा सा फीवर आ गया, थोड़ा खांस दिया, लोग समझ रहे हैं कि शायद कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं हो गया, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो कहीं नहीं लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस होगा तभी आपको सर्दी जुकाम बुखार, अरे कोरोना वायरस जब नहीं था उस समय भी आपको सर्दी बुखार जार सिहरी होता था। तो इतना आज एड हो गया है, एड इसलिए आपको डराने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि जागरूकता फैलाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से कैसे बचे। तो आपको साफ सफाई तो रखनी है, हैंड वॉश अपना करते रहिए, मास्क पहनिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार को बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मरीज को कोई किडनी या कोई अन्य कोई सांस लेने में दिक्कत होता है तो उस समय उपचार किया जा सके। कोरोना का तभी आप शक करें जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो। सांस लेने में यदि किसी व्यक्ति को दिक्कत होता है तभी आप कोरोना का समस्या आप समझ सकते हैं, या कोई भी बीमारी है सब ठीक है, हमको मतलब भूल जाइए कोरोना है क्या है। अगर कोई बीमारी है यदि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा है, उसके साथ में सूजन आ रहा है आ दम खींचना, बच्चे हो या आप हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दम आप खींच रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे चिकित्सक से अवश्य राय लीजिए, अच्छे चिकित्सक के पास अवश्य जाइए और अपनी जांच कराइए। जरूरी नहीं है कोरोना नहीं है तो आपका अलग से कोई बीमारी, हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, लीवर सम कोई ना कोई बीमारी आपके पास अवश्य रहेगा, तभी आपको सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको कोई बीमारी हो, सांस लेने में किसी तरह का दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि बेवजह मृत्यु घबराहट छटपटाहट हो, तो आज YouTube पर खूब लोकप्रिय हो रहा है आर्सेनिक एल्बम, बहुत जगह तो देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत जगह आर्ट नहीं रहा है,
अर्सेनिक एल्बम खैर अच्छी दवा है, लेकिन उसके साथ भी हम कहेंगे कि अर्सेनिक एल्बम पर भी अब पोटेंसी की ट्राई होती है, तो हम समझते हैं कि पोटेंसी जल्दी उसको क्लिनिकल ट्रायल से अथवा लेबोरेटरी में जांच करके उसको वायरस को रख के उस पर अब आर्सेनिक एल्बम आप डालेंगे तो उसमें मात्रा बहुत कम होती है, हो सकता है उसके जांच में बिल्कुल ना आए, लेकिन उसकी जांच आर्सेनिक एल्बम का क्यों है तो आप उसके बारे में राय ले सकते हैं। किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से, अच्छे चिकित्सक से आप राय ले लेंगे। अगर आपको कोई बीमारी में सांस लेने में लगता है कि प्राण लेकर छोड़ेगा तो सारे दवाओं को भूल जाइए, आप आर्सेनिक एल्बम 5 बूंद दिन में 3 बार आप खुद सलाह किसी से लेकर या अध्ययन करके उसको आपको चला के देखनी चाहिए। हमसे कोई पूछेगा, जितना हमें अनुभव है, जितने हमने पढ़ा है अपने जीवन में, जो लाइफ में अनुभव किए हैं, हम किसी दवा को हम टच नहीं करेंगे। यदि आपको मृत्यु भय है, घबराहट है, बेचैनी है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, लगता है कि बीमारी जान ले के छोड़ेगा, तो जान बचाने का आपको समझ जाइए का एक ही वो तरीका है कि आर्सेनिक एल्बम की वही बचा सकता है, अन्यथा हमको दूसरे किसी बीमारी पर उतने भरोसा नहीं रहता है। सेकंड में आपको एकोनाइट भी है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त मृत्यु भय रहता है, लेकिन उसका मरीज थोड़ा सा हेल्दी होता है, स्मार्ट होता है और हेल्दी होगा पूरा, और उसका क्रोनिक नहीं होगा, तत्काल कोई होता है। तो कोरोना में आपको जब भी कोई आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो, गले में दर्द हो, तो तब आपको उसका सीरियस आपको समझिए और उसका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लीजिए। अब कोई बीमारी आपको हो जा रहा है, छींक दे रहा है, खांसी आ जा रहा है, जुकाम आ गया, बुखार आ, तो कोरोना हो गया, अरे इतने बच्चे बच्चे भी कोरोना 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 जान रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन, तो आप देखिए कि कोई भी हो थोड़ा सा घबराए नहीं, धैर्य रखे, नहीं तो दूसरे बीमारी भी बढ़ सकता है। तो आप इसमें लॉकडाउन है ठीक है, लेकिन और ऑप्शन पर आपको विचार करते रहनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि दवा अभी बना नहीं है, उसका वैक्सीन नहीं बना, टेबलेट सुई नहीं बना, तब तक तो क्या हम इंतज़ार कर रहेंगे कि इंतजार करते रहेंगे कब दवा आएगा, हाथ पे हाथ बैठा के हम रख के बैठे रहे कि दवा आएगा तब तक मरे? नहीं, हमारे पास जो भी साधन है, जितना उपलब्ध है, जो भी हमारे पास चिकित्सक है, उन्हीं के द्वारा जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हम अपनाएंगे। ये नहीं है कि हम उसके इंतजार में सारा चीज़ को छोड़ें, कुछ भी नहीं है तो अभी हम खाना पीना, मनोरंजन, नहाना, ये साफ सफाई, ये सब जरूर हम लोगों को करनी चाहिए। तो ये सब अपने हाथ का चीज़ है, घबराए नहीं। और बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको धूप ऐसे लगेगा नहीं, तरह तरह का जो वायरस अभी गर्मी के मौसम में, कोरोना नहीं भी आता है तो हर साल मौसम जब चेंज करता है, हम लोग जाड़े से गर्मी बरसात किसी में जाएंगे तो बीमारी बढ़ जाता है। तो ये नई कोई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। तो अपना थोड़ा थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, अपना हल्का व्यायाम किसी से आप सीख लीजिए, कहीं आपके अगल बगल में हो तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का व्यायाम करने में आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। भारी व्यायाम नहीं करनी चाहिए, हल्का 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 आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर केवल बैठे रहेंगे घर पर, हो सकता है कि गैस बन जाए, और काम वाली बात करें ठीक है, नहीं तो चाइना में सुनने में आ रहा है कि तलाक की संख्या बढ़ गया है, कैसे सब लोग ये कोरोना के वजह से, वायरस की वजह से घर पर रह रहे हैं, तो किस दिन का बात लेकर अपने में लड़ जा रहे हैं। तो आप घर पर हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, पुराने गड़े हुए बात है उसको न उखाड़ें, बल्कि सकारात्मक कोई चीज़ लें, कोई अपने भविष्य के बारे में बात करें, भविष्य जिससे कि बने, माहौल अच्छा हो और खुशनुमा जिंदगी जिए। मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, लगा कि मेरा दूसरा जीवन मिल गया है, बड़ी शांति है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरा बॉडी तो लग रहा है कि रात दिन रिचार्ज हो रहा है, वाह, बहुत सुकून है।
पता नहीं साधु संत जो लोग बन जाते हैं क्यों बन जाते हैं, दुनिया से कोई मतलब उनको नहीं रह जाता है, कुटिया पकड़े हुए हैं। और उनकी ज़िंदगी सताई होती थी, बहुत अच्छे लाइफ जीते थे बिना दवा दारू का, उनको कोई पता नहीं, बीमारी भी नहीं लगता था। बाबा रामदास हम लोगों के बगल में, कितने उन लोगों को मूर्ति स्टेचू लगा हुआ है, बहुत सारे बाबा लोगों का जो पहले संत कहलाते थे उनका लगा रहता था। और इतने हम लोग दिन प्रतिदिन दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज़ हमेशा दौड़ा दौड़ी, हमेशा एक दूसरे पर चढ़ा चढ़ी, पकड़ा पकड़ी, उससे तो कम से कम हमें मुक्ति मिली है। हमें लग ही नहीं रहा कि 125 करोड़ वाले हम लोग देशवासी के हम नागरिक हैं। बहुत अच्छा रिचार्ज हो गए हम लोग। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई कि ढंग के हमको लाइफ एगो जीने का मौका दिए। अभी लग रहा है कि हम लोग ये परिवार घर में रह रहे हैं, सभी बच्चे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं, बात हो रहा है, तरह तरह का खाना पीना व्यंजन बन रहा है, गोंद का लड्डू हम बनवा रहे हैं इस समय में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसे ताकत भी कुछ समझ में आ रहा है। गोंद का लड्डू बहुत हम 2 साल से लगे हुए थे गोंद का लड्डू बनवाने के लिए। हमारे एक फिजिक्स का प्रोफेसर थे M.K. शरण, मृदुल कुमार शरण, वो छपरा के प्रोफेसर थे, हैं भी आज। उनके लड़का एक IIT, एक पतो IIT, उनके फादर बहुत बड़े वकील थे। वो हम लोगों को हमारे गुरु रहे हैं, वो राजेंद्र कॉलेज के। तो उनसे हमने छपरा में एक बार हम गए थे तो सोची क्यों ना भेंट कर ले। संयोग से उन्होंने हमको गोंद का लड्डू दिया खाने के लिए, हमको खाने में अच्छा लगा। हमने पूछा, सर थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बताइए कैसे बना है। फॉर्मूला उस समय नहीं बताए, फ़ोन पर भी 2-4-5 बार हम पूछे, लेकिन वो पता नहीं टार मटूर कैसे बोल रहे थे, समझ में नहीं आया था वो। लेकिन हमसे उनको फार्मूला क्लियर नहीं हुआ कि कैसे बनता है। हमने गोंद लाकर बहुत दिन भी हम रख दिए थे, अपने पत्नी को बताए कि थोड़ा सा बनाइए कैसा लगता है, अच्छा लगता है। एक बार लाए, उन्होंने रखे गोंद खराब हो गया, नहीं बनाई। दूसरे बार में हमने रखा था, उनको भी फुर्सत था, छुट्टी थी उनको, तो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग गोंद का लड्डू सभी परिवार मिलकर लगभग 4-5 दिन में 1 kg खा जा रहे हैं। 3 kg 4 kg बना था हम लोग, रोज़ हम लोग 3-4 kg, और सवेरे नाश्ता में, दोपहर में, रात में, पता नहीं घर में जो भी मिठाई हम लोग बना रहे हैं उसमें शुद्ध घी अच्छा से हम लोग डलवा रहे हैं। भैंस का 1000 रुपये किलो मिल रहा है और उसमें इतना टेस्टी हो रहा है, उसमें काजू किशमिश सब डाला जा रहा है। हमारी बेटी तो जिसमें काजू किशमिश डाल दीजिएगा खाती नहीं थी, लेकिन ये गोंद का लड्डू जो बना है बहुत खाती है, हम भी खा रहे हैं। इतने मिठाई तो हमने जीवन में कभी नहीं खाया, और ये हम बाज़ार से उतनी मिठाई हम खरीद के लाएंगे तो हमको 6-7 हज़ार रुपया लग जाएगा, लेकिन उतने मिठाई। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी सुगंध इतनी अच्छी है और इतना बढ़िया लग रहा है कि हम क्या बताएं। मार्वेलस, माने जैसा चाहिए, हम जितना उम्मीद किए थे, चारों तरफ हमने गोंद का लड्डू खरीदा, लेकिन कहीं पर इतना अच्छा नहीं मिला था जितना कि हम घर पर बनवा के खा रहे हैं, उतना अच्छा लग रहा है। आज बेसन का लड्डू बना था, बेसन वाला उतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन गोंद वाला का जवाब नहीं है। और ये आलू का हम लोग, आलू दम जो है, आलू का रेट बढ़ गया है, पहले ही खरीद के रखा गया था थोड़ा सा छोटे छोटे आलू का। वो आलू का भी व्यंजन जो बन रहा है, थोड़ा सा उसको अंडे की तरफ फ्राई करके, और छोटा आलू अंडे की तरफ फ्राई करके थोड़ा सा खाने के बाद में एकदम बिल्कुल अंडा जैसा ही लग रहा है। ऐसे कोरोना वायरस की वजह से हम लोग मीट मछली अंडा सारा चीज़ सब लोग छोड़ दिया है, तो हम लोग जो आलू है वो छोटा छोटा साइज का, उसे फ्राई करके हम लोग आलू दम, अन्य बहुत तरह के सब्जियों को हम लोग बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो कोरोना में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कोरोना का दवा है तो आर्सेनिक एल्बम 30, और आप खाइए जो दूसरे विशेषज्ञ जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन मेरा अनुभव, यदि रियल में आपका जान खतरा में पड़ जाए
तो आर्सेनिक एल्बम क्यू का आपको प्रयोग करनी चाहिए किसी भी मरीज के लिए, किसी से सलाह लेकर। अपने से आप किसी दवा का प्रयोग ना करें, चूँकि डॉक्टर के देख रेख में यदि आप कोई भी दवा लेते हैं तो उसमें और भी दवा का जरूरत पड़ता है बाएं दाएं रेफर करने, तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर के पास होता है बीपी, शुगर, वेट हमेशा आपको लिया जाता है, क्या आप तकलीफ है, हर घटना को भली भांति से आपको समझ जाते हैं। एक बगल के हमारे 3-4 साल पहले एक बहुत ही कम उम्र के, कम से कम 35 साल के एक नौजवान थे, वो हमेशा बोलते थे सांस लेने में हमको दिक्कत है, ऐसे 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 कर सांस लेने में दिक्कत है, सांस लेने में बराबर बोलते थे दिक्कत है, हमने कई दवा दिया लेकिन काम नहीं कर रहा था। एक साल ऐसे ही चला गया लेकिन वो फिर दोबारा नहीं कहे कि आप थोड़ा सा फिर से देखिए डॉक्टर साहब मेरे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है, वो हमारे दवा को छोड़ दिए। और एक साल के बाद में हमें मार्केट में मिले थे, हमारी 4-व्हीलर खरीदने के लिए वो आए थे लेकिन हमने नहीं दिया, दूसरा 4-व्हीलर किसी कंपनी का वो खरीदे और ख़रीद के अपना चल रहे थे, और एक दिन पैदल ही रास्ते में हमको मिले और हमने उनका समाचार पूछा तो बिल्कुल स्वस्थ थे, बहुत अच्छा थे, खूब बढ़िया से बात कर, लग ही नहीं आया था कहीं से कोई इनको बीमारी है। और ठीक आज बातचीत हम किए और कल या परसों दो ही दिन के बाद वो डेथ कर गए, ये नहीं कि तबीयत खराब कुछ, डेथ कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय हमको लगा देखिए कोई भी मरीज को पूरा आपको लेना चाहिए कि हमारा बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रहा है। यदि वो बार बार हमारे पास आते तो हम जरूर हम पर प्रेशर पड़ता, फिर जांच लिखते आगे का, हम डॉक्टर के पास भेजते तो उनका कोई बल्ब यदि खराब होगा, हार्ट में कोई ना कोई उनको दिक्कत तो जरूर ही होगा, उनका बल्ब जरूर खराब होगा, किडनी का कुछ होगा, उस समय आए होते दवा हमारा खाते ही रह जाते तो बीमारी जरूर पकड़ा जाता। लेकिन दवा जब काम नहीं करता है तो बिल्कुल लोग छोड़ देते हैं। अरे अच्छे डॉक्टर हैं, जब भरोसा है तो समझिए कि दवा काम नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई गंभीर बीमारी होगा, तभी वो काम नहीं करेगा। इसलिए रोगी को हमेशा उन थोड़ा सा बातचीत करते रहना चाहिए और एक मौका देना चाहिए कम से कम कि क्या हुआ बीमारी का, नहीं ठीक होगा तो आगे पर ज़रूर आप भेजेंगे और आगे पर जांच करनी चाहिए, इससे आपको ज़रूर बीमारी ठीक होगा, अचानक कोई नहीं मरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो कोई भी बीमारी हो, खतरनाक किस्म का है तो जगह बनता है आर्सेनिक एल्बम का, एकोनाइट का, ये सब। तो आज का वीडियो आप लोगों को हम समझते हैं कि अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हर दवा का आप कॉन्फिडेंस के साथ आप उसकी तैयारी कीजिए, पूरा उसको अध्ययन कीजिए, पूरा विश्वास हो तब रोगी पर छोड़िए, तब आपको एक दिन चिकित्सा में कामयाबी मिलेगी, नहीं तो हमेशा आपको निराश होते चले जाएंगे। बीमारी जब ठीक नहीं होने से खुद आदमी निराश होने जाता है और घर पर भी ऐसा कोई गलती कर देगा आदमी कि घर के मरीज ही नहीं ठीक हो पाएंगे, उनको भी नुकसान। जब तक आपको कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में नहीं आता है उसको टच न करें। जो एक बार दे दिए दवा दे दिए पूरा उसको, अब ये नहीं कि आप देखते रहें यार रोगी बेड पकड़वा दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपको बुता ला एक से दो बार में आपसे ठीक होगा कि नहीं होगा, आप क्लियर कहिए, क्लियर कट, आप जितने रहेंगे उतने आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, किसी को फंसाए नहीं। 6 महीना 8 महीना 10 महीना 5-5 साल तक इलाज कितना लोग करते रहते हैं, नहीं जो भी 2-4, 5 हज़ार 2 हज़ार फी, 5 हज़ार जो फीस लेना है आप क्लियर बताइए कि 1 हज़ार उसको ये मत झुलाई रहेगी, हम 20 रुपये 30 रुपये 80 रुपये का दवा देते रहिए, आते रहिए जाते रहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो भी आपको बुत्ता ताकत लगाना है 5 हज़ार 1 हज़ार 2 हज़ार 5 हज़ार जो फीस ले लीजिए, लेकिन क्लियर कट बताइए ठीक होगा नहीं होगा। अगर ठीक नहीं होता है तो बहुत जल्दी इसे रोगी को रेफर कर दीजिए, इससे रोगी का भविष्य आपका भविष्य दोनों बचा रहेगा। मैं समझ रहा हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अब आपके मैं लोकप्रिय चैनल YouTube चैनल से अब विदा लेना चाहता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।